हेलो माय लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रचिता एंड यू आर वाचिंग दैट फिल्म रचिता। सो गाइस, इफ यू टू माय चैनल, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियोस यू कैन नोटिफाइड एंड यू कैन वॉच माय वीडियोस। सो गाइस, लेट्स क्विकली स्ट्रेट डाइव इनटू द वीडियो। गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी आ गई है और ऐसी गर्मी में ना बहुत ज्यादा इशू हो जाता है हमें स्वेट का। तो आप क्या करते हो स्वेट से बचने के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट डेली गाइस, मुझे ना एक चीज चाहिए ही चाहिए होती, क्योंकि आई रियली डोंट लाइक स्वेटी और स्टिंकी अंडरआर्म्स। सो मैं तो हमेशा ना अपने अंडरआर्म्स में रोल ऑन लगाती ही लगाती हूँ। बट हमें ना ऐसा भी तो होता है कि अंडर आर्म में डायरेक्टली अगर हम कुछ लगा देते हैं तो अंडर आर्म्स ब्लैक हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, रिएक्शन हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अगर आपके रोल ऑन में या आपके डीओ में अगर एल्कोहल है तो डेफिनेटली ना डार्कनिंग और टैनिंग तो आएगी ही आएगी। बट जो भी आप रोल ऑन यूज करो ना, वो एल्कोहल फ्री होना चाहिए, सो टैनिंग नहीं आती है। और कुछ स्पेसिफिकली ना ऐसे रोल ऑन्स भी आते हैं जिनसे टैनिंग नहीं होती, इवन जो टैनिंग होती है आपकी वो भी रिमूव हो जाती है क्योंकि उसमें अल्कोहल नहीं होता। प्लस ना वो व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग में भी ना थोड़ा बहुत हेल्प करते ही करते हैं। तो गाइस, रोल ऑन हमेशा से यूज करती हूँ ना। अब तो ना ऐसा हो गया कि मैं यूज टू हो गई हूँ, मैं घर में हूँ, मैं बाहर, मैं कहीं भी हूँ, जैसे मैं मॉर्निंग में शावर लेती हूँ ना, वैसे ही मैं रोल ऑन तो भाई मुझे लगाना ही लगाना है। सो गाइस, मैं यूज करती हूँ 7 डेज नेचुरल का अंडर आर्म व्हाइटनिंग डियो रोल ऑन। इसमें अल्कोहल नहीं है तो ये डार्कनिंग और टैनिंग नहीं करता और क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है। अब मैं इसे दिखाऊं ना आपको, देखते ही बिल्कुल ना ऐसा ट्रांसपेरेंट सा है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे होते हैं जैसे हाई एंड लक्स से परफ्यूम्स लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही है। जैसे आप नहा के आते हो ना, अपने आप को वाइप करो और बस अंडर आर्म्स में आप इसको लगा लो, दैट्स ऑल गाइस, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। अब आपको रेडी होना है, जो करना है वो करो। बट हाँ, डायरेक्टली जो भी परफ्यूम्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी हमें अपनी स्किन पे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्किन को ना डार्क और टैन करते ही करते हैं। इसको आप लगाना शुरू करो, धीरे धीरे आप देखोगे जो भी पहले का जो टैन है ना वो भी धीरे धीरे जाएगा। पर मैं ये नहीं कह रही कि अभी महीने दो महीने में ही चला जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि एक बार जो चीज काली हो गई है, उसमें टैनिंग डार्कनिंग हो गई है, उसको जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सो इसको आप लगाओ जैसे कि मैं लगाती हूँ। हमेशा ना अपनी जो भी चीजें हैं, अपने प्रोडक्ट्स, आप चाहे स्किन के लिए ले रहे हो, अपने इंटरनल बॉडी के लिए, एक्सटर्नल बॉडी के लिए, वाइजली चूज करो। इंग्रेडिएंट्स देखो क्या है उसमें क्या नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछो, गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो, जो मर्जी करो, बट वाइजली अपनी चीजों को चुनो और उन्हें खरीदो। आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजों की रिकमेंडेशन देती ही रहती हूँ। सो ये भी उनमें से एक है। मेरे पास ना कमेंट आया था गाइस की बहुत गर्मी हो गई है, स्वेट भी आता है, क्या करें, मतलब अच्छा नहीं लगता। आप ऑफिस में हो, बाहर जा रहे हो, कोई और देखता है हमें या हम किसी और को देखे तो कंफर्टेबल नहीं हो पाती हम, तो उसके लिए ना गाइस ये बेस्ट है। और इसके अंदर इन्यूलिन है एंड कोजिक एसिड है, जो आपके मैंने आपको बताया ना जो पहले की टैनिंग है उसको भी हटा देगा, जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, उसको भी ये हटाएगा। ऑल स्किन टाइप्स है गाइस, आपकी सेंसिटिव स्किन है, जैसी भी है ना, नॉर्मल है, सब के लिए ये काम करेगा ही करेगा। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा। मॉर्निंग लगाओगे रात तक आपकी बॉडी में ना ये लगा रहेगा। हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा ना जेंटल है, 100% नेचुरल है, स्वेट को कंट्रोल करता है, आपकी जो फ्रेशनेस होती है ना उसको इंक्रीज कर देता है, एंड प्लस मेड से सर्टिफाइड है। अब सर्टिफाइड है तो आपको पता है ना इसको लगाना भी सेफ ही होगा, आप इसको आराम से लगा सकते हो। ये देखो देखने में वैसे बिल्कुल जैसे नॉर्मल रोल ऑन्स होते हैं ना वैसा ही है। तो शायद सबको पता ही होगा कि जब भी आप इसको अपने अंडर आर्म्स में लगाते हो ना तो आपके अंडर आर्म्स क्लीन होने चाहिए एंड ड्राई होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने बैग में रखा, आप स्वेट आ रहा है, स्वेट के ऊपर ही आप इसे लगा लो। गाइस प्लीज डोंट डू दैट। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बाहर जा रहे हो और स्वेट आ गया है, अभी क्या करना है, तो एक पॉकेट परफ्यूम अपने बैग में जरूर रख लो ताकि आप उसको लगा लो कपड़ों के ऊपर, स्किन के ऊपर नहीं। बट हाँ, मैं तो यही कहूंगी कि आप घर से ना इसको लगा के चलो ताकि आपको ना ऐसे बाद में आने वाली प्रॉब्लम्स आए ही ना। गाइस, अगर आपको ये बाय करना है ना तो आप बाय कर सकते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से और इनकी वेबसाइट पे। और इसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे ही दिया है, जहां से आप बाय करते हो तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलते हैं। सो चेक कर लेना एंड वेबसाइट भी चेक कर लेना, बड़ी अच्छी अमेजिंग न्यूली अपडेटेड वेबसाइट है एंड प्रोडक्ट्स भी ना काफी ज्यादा अच्छे और इम्प्रूव्ड हो गए हैं। सो गाइस चेक जरूर करना एक बार। सो चलिए चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और वीडियो के साथ। तब तक लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, बाय।